हे एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज का टॉपिक जो है वो है साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया एक टाइप के यू बैक्टीरिया कैटेगरी में आते हैं मतलब ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो ट्रू बैक्टीरिया कंसिडर किए जाते हैं अब जो ये यू बैक्टीरिया होते हैं इनके कुछ फीचर्स होते हैं तो उन्हें उनके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं तो यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं यू जहां भी लिखा जाता है ई यू टर्म उसका मतलब होता है ट्रू ठीक है जैसे यू कैरियोट्स जिनके अंदर ट्रू कैरियॉन होता है ट्रू न्यूक्लियस होता है वैसे यू बैक्टीरिया जो होते हैं इनके इनको ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है यही मेन बैक्टीरिया है जो मोनेरा किंगडम से बिलोंग करते हैं बाकी जो हमने आर बैक्टीरिया पढ़े थे वो जो है वो ट्रू बैक्टीरिया कंसीडर नहीं होते क्योंकि उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज बैक्टीरिया की भी हैं और कुछ यू की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ठीक है थेके? तो यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं इनके अंदर रिजिड सेल वॉल होती है, एक हार्ड सेल वॉल होगी विच इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन ठीक है अगर ये मोटाइल होते हैं सारे बैक्टीरिया मूव नहीं कर सकते बट अगर मोटाइल होंगे इफ दे आर कैपेबल ऑफ मूविंग देन दे वुड प्रोजेस फ्लैजुलम और फ्लैजुला फ्लैजुला उनके अंदर होगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा जो उनकी मूवमेंट में हेल्प करेगा अब जो यू बैक्टीरिया की कैटेगरी होती है इसके अंदर आते हैं साइनोबैक्टीरिया माइको प्लाज्मा आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है साइनोबैक्टीरिया ठीक है आगे आने वाली वीडियो में हम माइको प्लाज्मा भी डिस्कस करेंगे तो साइनो बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर एल्गी की तरह प्रॉपर्टीज होती हैं दे कैन फोटोसिंथेसाइज ठीक है एंड आल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन अब अगर साइनो को आप देखोगे इन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मतलब क्या है हम आने वाली वीडियोस में सेल चैप्टर जो है क्लास इलेवेंथ का वो पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे कि एक स्टेन होता है जो हेंस क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट ने दिया था उस स्टेन का नाम होता है ग्राम स्टेन ठीक है क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन भी उसे बोलते हैं तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को रिटेन करके रखते हैं और वो अगर उस स्टेन से आप उन बैक्टीरिया को स्टेन करोगे तो क्या होगा कि वो बैक्टीरिया आपको पर्पल कलर शो करेंगे तो अगर वो पर्पल कलर शो कर रहे हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्राम स्टेन देन दो बैक्टीरिया आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ठीक है बट कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो वो स्टेन रिटेन नहीं करते हैं उसे इजिली लूज कर देते हैं तो उन्हें बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ऑल दी साइनोबैक्टीरिया बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी ओनली ठीक है अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज साइनोबैक्टीरिया आर एबल टू फोटोसिंथेसाइज दे आर फोटोसिंथेटिक लाइट की प्रेजेंस में फूड सिंथेसाइज करेंगे एंड इन टर्न दे आल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन सो दे शो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पे आए थे और ऑक्सीजन uh, वाले फोटोसिंथेसिस uh, शो करते थे मतलब फोटोसिंथेसिस शो करते थे वो नेक्स्ट ऑक्सीजनिस को साइनोफाइसी मिक्सोफाइसी कैटेगरी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो इनके कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं अगर हैबिटेट की बात करें तो मेनली ये फ्रेश वाटर में रहते हैं मीठे पानी में रहते हैं रिवर्स वगैरह लेक्स में इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं बट सम ऑफ दी साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कैपेबल ऑफ लिविंग इन मेरीन वाटर खारा पानी जिसे बोलते हैं उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं यानी वो सी ओशन वगैरह में भी प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिकली एग्जिस्ट करते हैं यानी दे लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स विच आर मेनली यू एंड साइनोबैक्टीरिया ऐसी कैटेगरी है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन मोस्ट ऑफ द यू के साथ बना लेती है यानी फंजाइ के साथ मॉसेस के साथ एंथोसिरोस पढ़ोगे आप उसमें फर्न्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स हैं जैसे जिम्नोस्पर्म्स में जैसे साइकस है उसके साथ सिंबायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं एंजियोस्पर्म्स के साथ शो करते हैं मैमल्स के साथ बहुत सारे एनिमल्स हैं उनके सरफेस पे भी ये प्रेजेंट होते हैं तो ये कुछ सिंबायोटिक रिलेशनशिप के बारे में हमने पढ़ा जो साइनोबैक्टीरिया शो करते हैं अगर साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखो तो मोस्टली यूनि होते हैं बट दे कैन बी मल्टी सेलुलर एंड दो इन कॉन्स्टिट्यूए फॉर्म ऑफ फिलामेंट्स या फिर कॉलोनी कॉलोनी की फॉर्म में भी वो प्रेजेंट हो सकते हैं नेक्स्ट चीज क्या है कि इनकी जो भी सिंगल फिलामेंट होता है उसको बोलते हैं ट्राइकोम तो उसके अराउंड क्या होता है आपने एनसीआरटी में एक इमेज देखी होगी नॉस्टॉक की तो उसके क्या है बीडेड स्ट्रक्चर है वो पूरा एक सिंगल फिलामेंट है एंड दैट फिलामेंट इज नोन एज ट्राइकोम व्हेन मैनी फिलामेंट्स गेट अटैच टुगेदर दे फॉर्म अ कॉलोनी ठीक है एंड ईच फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ म्यूसिलेजिनस शीथ अराउंड दम तो जो भी फिलामेंट होगा उसके अराउंड म्यूसिलेजिनस शीथ होगी म्यूसीज से बनी हुई जो मेनली किस चीज में हेल्प करते हैं वो हेल्प करती है कि वो सेल जो है या फिलामेंट जो है वो ड्राई ना हो जाए ठीक है नेक्स्ट चीज़ एबसेंस ऑफ फ्लैजुला इनके अंदर फ्लैजुला नहीं होता है पूरी लाइफ स्पैन में जितने भी इनके लाइफ स्टेजेस आएंगी उनके अंदर फ्लैजुला एब्सेंट होता है ठीक है नेक्स्ट चीज़ क्या है अगर साइनो बैक्टीरिया का हम सेल देखते हैं तो दे आर बेसिकली प्रो कैरियोटिक यानी उनके अंदर ना न्यूक्लियस होता ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ना सेल ऑर्गेनल्स होते मेम्ब्रेन बाउंड ठीक है इनकी सेल वॉल फोर लेयर्ड होती है काफी इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साइनोबैक्टीरिया का तो इनकी फोर लेयर्ड सेल वॉल होती है एंड दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पैप्टाइडोग्लाइकन जैसे कि और बैक्टीरिया में होती है ठीक है तो पैप्टाइडोग्लाइकन होगा फोर लेयर्ड सेल वॉल होगी एंड दे पोजेस सेवेंटी एस राइबोजोम सेवनटी एस इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम सेल की चैप्टर के अंदर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि 70s एस क्या होता है एस का मतलब क्या होता है 80s एस क्या होता है ठीक है अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि साइनोबैक्टीरिया के हर एक सेल में सेवेंटी एस होते हैं नेक्स्ट चीज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है ये चीज़ अभी अभी भी हमने पीछे पढ़ी अगली चीज क्या है कि साइनोबैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स होते हैं गैस वैक्यूल्स आर राउंड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन साइड द सेल एंड दीज आर फिल्ड विद गैस सो तो दीज हेल्प इन प्रोवाइडिंग बयंसी टू दी सेल तो जो भी सेल जिसके अंदर गैस वैक्यूल होगा वो सेल फ्लोट कर पाएगा ऑन द सर्फिस ऑफ वाटर ठीक है तो ये डूबते नहीं है ईजिली

क्लोरोफिल ए पिगमेंट एंड फाइकोबिलेंस फाइकोबिलेंस प्रोवाइड डिफरेंट सच ब्लू कलर रेड कलर ठीक है एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि ऐसा माना जाता है कि साइनोबैक्टीरिया अब प्लांट सेल्स के अंदर या डिफरेंट क्यू कैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है तो साइनोबैक्टीरिया के पास थाइलेक्ड हैं जिसकी वजह से वो क्लोरोप्लास्ट में डेवलप हुए ठीक है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं ये चीज हमेशा याद रखना साइनोबैक्टीरिया पोजेस है? उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं नेक्स्ट चीज क्या है दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन तो वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं एटमोस्फ़ेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं एंड दीज नाइट्रेट्स आर देन सप्लाईड टू तो दी प्लांट रूट्स प्लांट जिसके साथ भी वो सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड है उनमें वो नाइट्रेट ट्रांसफर कर देंगे और ये नाइट्रेट फिर प्लांट यूज कर सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस एटमोस्फेयर से नहीं ले पाते हैं ठीक है नेक्स्ट थिंग इज साइनोबैक्टीरिया डू पोजेस नाइट्रोजिनेज एंजाइम एंड दिस नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन अंडर अन एरोबिक कंडीशन तो इन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती तभी ये एंजाइम काम करेगा ठीक है ऑक्सीजन की एब्सेंस में नाइट्रोजनेज एंजाइम नाइट्रोजन फिक्स करके नाइट्रेट में बदलता है नेक्स्ट थिंग इज साइनोबैक्टीरिया पोजेस सर्टेन सेलुलर स्ट्रक्चर्स नोन एज हेट्रोसिस्ट तो ये जो हेट्रोसिस्ट होते हैं इन हेट्रोसिस्ट के अंदर पी वन होता है पी टू नहीं होता फोटोसिस्टम टू नहीं होता है फोटोसिस्टम टू ना होने की वजह से हेट्रोसिस्ट कैनॉट सिंथिसाइज ऑक्सीजन ठीक है बट दे कैन जनरेट ए टीपी हेड्रोसिस्ट एटीपी बना सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फोटो सिस्टम वन ठीक है ऐसा स्ट्रक्चर होता है साइनोबैक्टीरिया uh, का यहाँ आप देखोगे कि इसके सेल के अराउंड म्यूसिलेजिनस शीथ है उसके अंदर सेल वॉल है सेल वॉल इज फोर लेयर्ड देन देयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंस ऑफ गैस वैक्यूल्स विच आर फिल्ड विद गैस सेंट्रोप्लाज्म होता है इसके अलावा क्रोमोप्लाज्म होता है पहले ये दो टर्म समझ लेते हैं सेंट्रोप्लाज्म होता है सेल के बिल्कुल सेंटर का रीजन जहां पे क्रोमैटिन प्रेजेंट होगा डीएनए के फाइबर्स प्रेजेंट होंगे ठीक है एंड रीजन ऑफ द सेल विच इज विच कंटेन पिगमेंट्स तो यहाँ पिगमेंट कंटेनिंग जो एरिया है दैट इज क्रोमोप्लाज्म एंड दैट कंसिस्ट ऑफ थाइड्स क्योंकि थाइलेकॉइड के अंदर क्लोरोफिल है इसीलिए क्रोमोप्लाज्म जो होता है उसे कलर्ड बोलते हैं ठीक है ठीके? कलर्ड रीजन है सेल का क्रोमो का मतलब ही कलर होता है नेक्स्ट चीज क्या है कि इनके सेल के अंदर सर्कुलर डीएनए है क्रोमैटिन फाइबर्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं जो मेनली फूड स्टोरेज का काम कर रहे हैं पिगमेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं थाइलेकॉइड है जो बताया अभी प्रोटीन के क्रिस्टल्स भी होते हैं ये भी रिजर्व फूड मटीरियल है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है साइनोबैक्टीरिया का अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो साइनोबैक्टीरिया कैन ओनली परफॉर्म ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दे कैन नॉट कैरी आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए रिप्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप जैसे बाइनरी फिजन से हो सकता है जिसमें सिंगल सेल इज एबल टू डिवाइड इन टू टू डॉटर सेल्स और दोनों डॉटर सेल के पास इक्वली डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसके अलावा हेट्रोसिस्ट के थ्रू भी ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं हेट्रोसिस्ट वाला रीजन जो होता है पूरे फिलामेंट का वो थोड़ा वीक माना जाता है तो उस जगह से जो फ्रेगमेंटेशन हो जाती है फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे भी हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होगा वहाँ नोड्यूल्स प्रेजेंट होती हैं उन नोड्यूल्स की वजह से क्या होता है कि वो फिलामेंट उस रीजन से वीक है वीक होने की वजह से पूरा जो फिलामेंट है इट वुड गेट सेपरेटेड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स तो उन फ्रेगमेंट्स को हॉर्मोगोनिया बोलते हैं और दे आर कैपेबल ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू डॉटर सेल ठीक है वो बिल्कुल डेवलप हो जाएगा न्यू डॉटर सेल के अंदर तो यही कुछ मोड्स हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इनके अंदर होता नहीं है ठीक है तो इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की भी बात कर लेते हैं एंड एज दे आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन सो दे इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाई कन्वर्टिंग नाइट्रोजन टू अमोनियम कम्पाउंडस तो अमोनियम कंपाउंड अगर सॉइल में होंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट चीज़ क्या है कि ये एरोबिक ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशन में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इसीलिए बोला जाता है कि जो भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो आजकल लिविंग हैं, वो सारे इवॉल्व हुए हैं साइनोबैक्टीरिया से सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो इनके पार्टनर्स होते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म इनका पार्टनर होगा उसे नाइट्रोजनस कंपाउंड ये प्रोवाइड करते हैं स्पाइरिना जो एक साइनोबैक्टीरिया है उसे सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं एस बोला जाता है सिंगल सेल प्रोटीन को तो ये सिंगल सेल प्रोटीन की तरह काम करता है एंड इट इज एडिबल ठीक है और रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन नेक्स्ट थिंग इज साइनोबैक्टीरिया सम साइनोबैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटीबायोटिक्स जैसे लेंजबिया है लेंजबिया जो होता है ये कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हेल्प करते हैं तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी साइनोबैक्टीरिया की अब नेक्स्ट चीज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइनोबैक्टीरिया से लिंक्ड उसे बोलते हैं गैडोकॉस फिनोमिन ये गैडोकॉ साइंटिस्ट ने बताया था एंड इसको कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमैटिक अडेप्टन भी बोलते हैं है ये यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमैटिक अडेप्टशन भी बोलते हैं इसका मतलब क्या है कि साइनोबैक्टीरिया आर एबल टू तो चेंज देयर बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबल लाइट इंटेंसिटी तो अगर साइनोबैक्टीरिया वाटर में काफी डेप्थ में है जहाँ लाइट नहीं आ रही है तो उनका कलर अलग होगा अगर वो वाटर के सरफेस के पास है जहाँ पे लाइट इंटेंसिटी काफी ज्यादा है तो उनकी बॉडी का कलर चेंज हो जाएगा इसी को गैडोकॉब्स फिनोमिनन बोलते हैं एंड दिस फिनोमिनन इज शोन बाय ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है विच इज नोन टू कॉज रेड सी रेड सी का कॉजेटिव एजेंट इसे माना जाता है और ये इसकी प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि सी पूरा रेड अपीयर होगा ये इनकी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से एक्वेटिक इकोसिस्टम में फिशेस वगैरह की डेथ हो जाती है क्योंकि ये ऑक्सीजन सारा वाटर का कंज्यूम कर लेते हैं ठीक है तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे साइनोबैक्टीरिया के आगे आने वाली वीडियोज में हम माइक्रोप्लाजमा के बारे में पढ़ेंगे टिल देन गुड बाय